तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जहाँ पे आपको सिंपली एक टाइटल हो गया, फिर कंटेंट हो गया, फिर उसके बाद एक टाइटल हो गया, फिर कीवर्ड आ गया। जिस तरह आप अपने वेबसाइट को ऑन पेज करते हो उसी तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट करना है। फिर कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर इमेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो रेड कलर पॉइंट में जो दे रखा है, ये चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 500 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, एक कैटेगरी होना चाहिए, 3 टैग होना चाहिए, फ्यूचर इमेज भी होना चाहिए, रीडेबिलिटी ओके होना चाहिए और SEO गुड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद इसको जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका जो पोस्ट है वो रिव्यू में चला जाएगा। तो गाइस इस ये कौन सी वेबसाइट है, सारी चीज़ें हम इन डिटेल्स में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उसके अलावा जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस ये है वेबसाइट। सबसे पहले गाइस इस वेबसाइट का DAPA और स्पैम स्कोर चेक करते हैं, उसके बाद DRB चेक करते हैं और इस वेबसाइट पे किस तरह से गेस्ट पोस्ट करना है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस इस वेबसाइट का DA 54 है, PA 44 है और स्पैम स्कोर 1% है और ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी वेबसाइट है और डोमेन रेटिंग की बात करूँ वो है 42। तो गाइस इस वेबसाइट में बैकलिंक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे टॉप पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख जाएगा, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर कैसे करना है, सिंपली आपका यूजर नेम, फिर आपका ईमेल आईडी, फिर उसके बाद आपका पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, ये सारे ऑप्शन फुलफिल कर लेना। उसके बाद आपके पास इस तरह से मेल आ जाएगा, जहाँ पे जो है आपको पासवर्ड को दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। पासवर्ड सेटअप करने के बाद दोबारा से लॉगिन पे क्लिक कर देना और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यूजर नेम और ईमेल आईडी, फिर उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिस तरह से आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन होता है, सेम टू सेम उसी डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे आपको दो चीज़ें आपको करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। तो गाइस आपको सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जो है आपको लगभग सारी सोशल मीडिया के लिंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपडेट कर देना और वहीं पे आपको बायो का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बायो पे आपको लिंकिंग करना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2 से 3 लाइन का एक पैराग्राफ लिख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको HREF कोड आपको यूज़ करना है, जो कि HTML आईपल लिंक के लिए जो यूज़ होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इस कोड को कैसे यूज़ करना है वो भी चीज़ बता देता हूँ। जहाँ पे URL है, URL की जगह आपका URL आ जाएगा, जो भी आपका जो टारगेटेड URL होगा, और उसके अलावा जो कीवर्ड है, कीवर्ड के जगह आपका कीवर्ड आ जाएगा, चाहे वो कोई भी कीवर्ड क्यों ना हो। इस तरह से आप 1 या 2 लिंकिंग करना, इससे ज़्यादा लिंकिंग मत करना। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा आप होम पेज को ही टारगेट करना, क्योंकि ये जो बायो है, ये जितने भी आप गेस्ट पोस्ट करोगे सारे गेस्ट पोस्ट के नीचे ये बायो आपका दिखेगा। इसलिए गाइस आपको जो है होम पेज को ही टारगेट करना, और उसके बाद आपको सबसे नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट होने के बाद अब लाइव URL आपको कैसे मिलेगा, जैसे कि आप नोटपैड पे देख पा रहे होंगे, ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको क्या करना है, यूज़र नेम, आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना और पूरा URL को कॉपी कर लेना, न्यू टैब में ओपन कर लेना, और इस तरह से आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। और जो लिंकिंग करी है, अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है, कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा। अब इसके अलावा गाइस गेस्ट पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से आपको डैशबोर्ड पे जाना है और वहाँ पे आपको पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली पोस्ट के ऊपर जाना है और वहाँ पे आपको ऐड पोस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, ऐड पोस्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके पास सबसे पहले टाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद सब टाइटल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद जिस तरह से आप अपना ऑन पेज SEO करते हो उसी तरह का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स मेटा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर URL हो गया, फिर कीवर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्यूचर इमेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, टैग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और कैटेगरी की बात करूँ ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी यहाँ पे कवर्ड है। आप किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड आप कंटेंट यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। लेकिन 2 चीज़ें याद रखना, पहला चीज़ कोई भी AI कंटेंट या कोई भी कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो रेड कलर का जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये चीज़ आपको फॉलो करना है। जब ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तभी आपका जो कंटेंट है वो जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आप जो है एक कंटेंट के अंदर 1 या 2 लिंकिंग भी आप कर सकते हो,
जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक पोस्ट पब्लिश कर रखा है पहले से। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो पोस्ट जो पब्लिश करा हुआ है, अगर मैं इस लिंक को अगर मैं इंस्पेक्ट कर दिखाऊँ तो गाइस ये 100% डू फॉलो बैक लिंक है। होपफुली गाइस आज के वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है प्रॉपर एसईओ के रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेगी और ये वीडियोज़ देखने के बाद आप अपनी रैंकिंग को और अपने ट्रैफिक को आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो गाइस जल्दी जाओ व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी जो है प्रॉपर एसईओ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।